नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान तीन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी अपडेट इसरो की तरफ से जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान तीन के रोवर प्रज्ञान को एक्टिव करने के साथ ही अब चंद्रयान तीन के लैंडर विक्रम को भी पूरी सफलता के साथ चांद की सतह पर एक्टिव कर लिया गया है और इसके साथ ही इसरो ने चंद्रयान तीन के लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने में सफलता इस वक्त हासिल कर ली है। इसमें इसरो के चीफ सोमनाथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान तीन के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब दोनों से सफलतापूर्वक से संपर्क स्थापित कर लिया गया है। जो पहले की बता दें, इसरो ने रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित किया और इसके बाद लैंडर विक्रम से संपर्क पूरी सफलता के साथ संपर्क स्थापित हो चुका है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए कहा है, चांद की सतह पर मौजूद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का जिस सिग्नल का इंतजार था, वह सिग्नल मिलने के बाद हमने सबसे पहले रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित किया, जिसमें हमें काफी मशक्कत का सामना करना और इसके बाद अब पूरी सफलता के साथ लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित हो चुका है और इसको परीक्षण करने के लिए इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद लैंडर विक्रम को कमांड भेजी थी, जिसके बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर वह मूवमेंट भी की है और इस मूवमेंट को इसरो ने कैप्चर कर लिया और इसका वीडियो भी इसरो ने पूरी दुनिया के सामने जारी कर दिया है और उसमें एक ऐसा रहस्य निकल कर सामने आ चुका है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और नासा के भी वैज्ञानिक काफी सदमे में आ गए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको वह कौन सा वीडियो है और वास्तव में उसमें क्या क्या सामने नजर आया है, जिसे देखने के बाद आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, उस वीडियो को देखने से पहले यदि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आपका भी दिल बिल्कुल सच्चा है, आप सबकी दिल से मदद करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद जरूर कर दीजिए और हाँ, कमेंट में इस तरह के वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय इसरो के नारे बिल्कुल भी नहीं रुकनी नहीं चाहिए। सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय इसरो, क्योंकि इस वीडियो के आने के साथ ही खुद वैज्ञानिकों की टीम में भी खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि चंद्रयान तीन के दो सबसे अहम कंपोनेंट में से एक लैंडर विक्रम के बाद रोवर प्रज्ञान भी था और लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित होने के बाद सबसे अहम था कि रोवर प्रज्ञान ने भी सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया जाए और अब इसरो ने ऐसा करने में भी पूरी सफलता प्राप्त कर ली है, जिसका वीडियो इसरो ने पूरी दुनिया के साथ साझा कर दिया है। वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया है और इस वीडियो के आने के साथ ही इसरो ने इस बात की स्पष्टीकरण दे दिया है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। इसको लेकर क्या पूरी जानकारी दी है और क्या वीडियो सामने आ रहा है, चलिए वह आपको हम वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें, ताकि इससे जो भी अपडेट पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, देर रात जब चांद की सतह पर मौजूद लैंडर विक्रम से संपर्क हो चुका था, पहले ही उसके बाद इसरो की टीम लगातार रात भर इस पर काम कर रही थी और संपर्क स्थापित होने के साथ ही रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने की कोशिश लगातार 6 घंटों से की जा रही थी, जिसको लेकर पूरी रात वैज्ञानिकों की टीम ने इसको कमांड भेज दी, लेकिन इससे कमांड रिसीव नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से रोवर प्रज्ञान से तो संपर्क स्थापित हो गया था और रोवर प्रज्ञान से कुछ सिग्नल भी इसरो को मिल चुके थे, जिसके बाद इसरो ने बताया था कि चंद्रयान तीन से बराबर संपर्क स्थापित चुका है। अब इस वक्त खबर आ चुकी है और लैंडर विक्रम से भी सफलतापूर्वक संपर्क जुटा लिया गया है। इसरो ने काफी मशक्कत के बाद सुबह ही इस काम को अंजाम दिया है और अब हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से चांद की सतह पर से संपर्क जुटाया जा सका है। दोस्तों, अभी अभी इस वक्त खबर आ चुकी है जो इस प्रकार है, सूरज को उगे 3 दिन हो चुके हैं, सबको इंतजार है वहां गहरी नींद में सोए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के जगने का। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को विक्रम और प्रज्ञान से अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। इसरो को उम्मीद है कि दोनों दूसरी पारी के लिए जगेंगे और प्रज्ञान फिर से चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा। इसरो ने आस नहीं छोड़ी है, लेकिन लैंडर और रोवर के जगने की आस आखिर कब तक लगाई जाए। चीफ सोमनाथ ने ट्वीट करके बताया कि हम विक्रम और प्रज्ञान के फिर एक्टिव होने के लिए चांद के एक पूरे दिन
यानी धरती के 14 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। इसरो चीफ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर एक्टिव होंगे। उन्होंने बताया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हम एक पूरे चंद्र दिवस धरती के 14 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान वहां लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहेगी, जिसका मतलब है कि तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सोमनाथ ने बताया। तापमान बढ़ेगा तो प्रज्ञान और विक्रम के सिस्टम में भी अंदर से गर्माहट आएगी। इससे सिस्टम 14वें दिन भी जग सकता है, लेकिन यह कब होगा इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने कहा कि अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिव होते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह फिर से वहां स्टडी शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया, हमने जो कई प्रयोग किए हैं उनसे हमें डेटा मिला है, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव आ सकता है। उदाहरण के तौर पर चास्टी चांद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट को किसी नई जगह पर रखा जा सकता है। अगर हम वहां लैंडर को एक बार फिर थोड़ा सा उछाल कर लैंडिंग करा लेते हैं तो हमें एक अन्य लोकेशन का डेटा मिल जाएगा, जो अच्छा है। इसकी वजह यह है कि एक ही लोकेशन से लगातार मिल रहे डेटा वहां की सतह के बारे में असली तस्वीर नहीं बताएंगे। अगर हमें कई लोकेशन मिलते हैं तो हमें चांद के सतह को उसकी विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोकेशन से रामभा के साथ साथ अन्य उपकरणों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगह से अलग अलग समय के डेटा मिलेंगे। प्रज्ञान पर लगे उपकरणों ने पहले ही अलग अलग लोकेशन पर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन और ज्यादा लोकेशन होंगे तो और बेहतर ही होगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर दूसरी पारी शुरू करते हैं या नहीं, इससे चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिशन ने पहले ही अपने लिए तय किए गए सभी उद्देश्यों को सफलता से पूरा कर लिया है। मसलन चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर का चांद की सतह पर चहलकदमी और वहां वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लैंडर और रोवर की जितनी लाइफ तय की थी उतना वो काम कर ही चुके हैं। अगर दोनों जग गए तब ये बोनस की तरह होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारा चंद्र आन 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।